जब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था ना, तो उस समय पे मुझे लगा था कि मेरी लाइफ अब बन गई है, और इतने सारे ड्रीम्स थे, इतने सारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स थे, मिशन था लाइफ का, बहुत अच्छा काम करने का लाइफ में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने का, इस देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने का, इन सारे सपनों को लेके मैं इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मैंने तैयारी की थी, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और फिर जब काम करना शुरू किया तो इसके अंदर मैंने पूरी तरह से अपने आप को बोलते हैं ना, समर्पित कर दिया अपनी लाइफ को। एंड फिर कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, तो लाइफ जो थी उसका होराइज़न काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। मेरा जॉब, मेरी फैमिली, और मेरी वो फैमिली जहाँ से मैं आई थी, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, तो मेरी मदर, मेरा भाई, ये लोग इतने सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन पे मैं अपने आप को, अपने समय को देती थी और कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छे से सब जगह पे सबको सेटिस्फाई करके, सबको बहुत खुश करके आगे बढ़ सकूं। तो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में मैंने बहुत अच्छा काम किया और मैं बहुत सारे रिजल्ट्स वहाँ पे दे पाई, सो कॉल्ड सक्सेसफुल आप बोल सकते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल थी मैं अपने प्रोफेशनल करियर में। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं कोशिश कर रही थी पूरी जी जान लगा के कि मैं जितना ज़्यादा उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनको जितना ज़्यादा हेल्दी रख सकूं, उनके लिए जो पूरी सराउंडिंग है उसको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजेंट, जॉयफुल, काम बना सकूं, और मेरी मदर, मेरे भाई, उन लोगों की लाइफ में जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं करती रहूं, ये मेरा एफर्ट रहा। और ये सब एफर्ट करते करते शायद कहीं पे मैं अपने आप से बहुत दूर हो गई, और मुझे एक्चुअली खुद से फील होने लगा कि मैं कहीं पे खोती चली जा रही हूँ। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि जब बच्चे छोटे थे और हम लोग एक 10 बजे का मॉर्निंग शो देखने जाते थे संडे का, हैरी पॉटर मूवीज़ का, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते थे मूवी देखने के लिए, पर मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और मैं वहाँ पे जाके शांति से सो पाऊँगी, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता था। और एक बार जब ऐसे ही मैं पिक्चर हॉल में गई और मैंने अपनी आंखें बंद की, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे इतने अच्छे से क्यों सो पाती हूँ, वाई डू आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कि मैं यहाँ पे जाके और एसी चल जाएगा, शांति हो जाएगी, बच्चे बिजी हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड बिजी हो जाएंगे पिक्चर देखने में और मैं सो सकूँगी। तो फिर उस दिन सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो 3 घंटे का समय ऐसा होता है जिस समय पे मुझसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब यहाँ से 2.5 से 3 घंटे तो हमें यहीं पे रहना ही है। और जब ये फीलिंग मेरी इंटरनलाइज हुई कि यहाँ पे मुझसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैं अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं पीसफुल हूँ और इसलिए मैं सो पा रही हूँ, जो एक बेसिक नीड है, तो उस दिन मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने उस समय से अपनी लाइफ को देखना, समझना शुरू किया,
और ये बहुत क्लियर हो गया कि हो सकता है कि मैं सुपर सक्सेसफुल प्रोफेशनल हूँ, मैं सुपर सक्सेसफुल वाइफ हूँ, मैं सुपर सक्सेसफुल मदर हूँ, शायद डॉटर भी हूँ, शायद सिस्टर भी हूँ, बट डेफिनेटली मैं सुपर सक्सेसफुल रूबी नहीं। सुपर सक्सेसफुल तो छोड़ो, मतलब मैं एवरेज रूबी भी नहीं हूँ, मैं अंडर एवरेज रूबी बन गई हूँ, अपने आप से बहुत दूर चले गई हूँ। और मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ को समेट लेने की ज़रूरत है। ये जो आपके साथ मैं सीरीज इस समय पे ये पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी रीज़न यही है कि मैं सब लोगों को चाहती हूँ उनको पता चले कि सेल्फ लव होता क्या है और सेल्फ लव कितना ज़रूरी है सेल्फ केयर करने के लिए, और सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है एक उस तरह की लाइफ को जीने के लिए जो जॉयफुल है, जो हेल्दी है, साइकोलॉजिकली हेल्दी एंड फिजिकली हेल्दी। तो लेकिन जब तक मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, जब तक मैंने इस चीज़ को इंटरनलाइज किया, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और इसके कुछ समय बाद ही मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। पूरा एक्सपीरियंस कैंसर का मैंने झेला, बहुत आसान नहीं था बल्कि काफ़ी मुश्किल था। और उससे बाहर आने के बाद मुझे बात और क्लियरली समझ में आने लगी। तो जो सेल्फ लव की बात होती है, जिसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम अपने शरीर और अपने मन से कनेक्टेड रहें। अक्सर क्या होता है ना, सारी और चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, बाहर की चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ध्यान रहता है कि फैमिली को किस तरह से समेट के रखे रखना है, अपनी जो मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी है उसको कैसे संभाले रहना है, पैसा, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सिवाय अपने। तो इतनी सारी रिलेशनशिप्स जो लगता है सक्सेसफुली हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरी अपने ऑफिस कलीग्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, मेरे अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा रैपो है, पर मेरा अपना रैपो मेरे साथ, मेरा अपना रिलेशनशिप अपने साथ, ये जो रिश्ता मेरा अपने आप से है वो बहुत बहुत खोखला हो गया है। इस चीज़ को समझते समझते हमें बहुत देर हो जाती है। और अगर हम इसको संभाले रहें, ये जो मेरा रिश्ता मुझसे है इसको अगर हम संभाले रहें, सबसे पहले इसी पे ध्यान रखें, हमेशा अपने शरीर और मन का ध्यान अगर हम रखेंगे और इसको अपने ब्रेन, ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे कि मैं अपने शरीर और मन के लिए हमेशा अच्छा ही करूं, जो मैं सोचूं वो मेरे शरीर और मन के लिए अच्छा हो, जिस तरह से मैं सोचूं वो मेरे शरीर और मन के लिए अच्छा हो, वो मेरे शरीर और मन को हार्मनी में लाए, जो मैं खाऊं, जिन लोगों से मैं मिलूं, जिस तरह से मैं अपना दिन स्पेंड करूं, जिन चीज़ों पे मैं अपनी एनर्जी को लगाऊं, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे अपने कनेक्शन को खुद से डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बनाती रहें, ना कि मुझे उससे दूर ले जाती रहें। तो अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर उसके बाद ना तो कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना फिर कोई डाइटिशन का कोर्स अटेंड करने की कोई ज़रूरत है, बस अपने आप से मेरा अपना रिश्ता हमेशा प्यार का रहे, ग्रेटफुलनेस का रहे, काइंडनेस का रहे, मैं अपने ऊपर हमेशा इजी रहूं,
काइंड रहूं, प्यार से अपने आप को ट्रीट करूं। अगर इतना हम समझते रहे, इस पे काम करते रहे, तो दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी दैट वी कैन हैव। तो आई होप कि आप मेरी ये जो सेल्फ केयर थ्रू सेल्फ लव वाली जो सीरीज है पॉडकास्ट की, इसको देख रहे हो और इसके जो न्यूएंसेस मैं कोशिश कर रही हूँ अपने लाइफ के एग्जांपल से आप लोगों को बताने की, उसको आप रजिस्टर कर रहे हो, उस पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर इससे ज़्यादा इंटेंस आपको अगर एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे इंटरैक्ट करिए प्लीज़। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है मोनोलॉग तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा और इंटरैक्शन बढ़ाइए। दैट विल रियली हेल्प मी एंड इट विल हेल्प मी टू शेयर मोर, एंड उससे हम दोनों को एक्चुअली ये जो शेयरिंग है ना, इसकी तो मैंने बात की है पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छी शेयरिंग हो पाएगी और हम लोग साथ में मिलके अच्छा काम कर पाएंगे।